मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत अमीर था और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी था। वो सबको बताता है कि दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है और इसके बाद और भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर इस दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा हो गई तो हम इस दुनिया को खो देंगे, और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ इंसान है। इंसान इस दुनिया में एक कैंसर की तरह है। और फिर इसके कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट भाग रहा था और उसके पीछे कुछ एजेंट्स भी भाग रहे थे। तभी हमें आवाज आती है उस साइंटिस्ट की, आपको वो केमिकल ब्लास्ट करना ही होगा जो मैंने बनाया है, जिससे कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले 100 सालों में दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंसानियत को खत्म करने के लिए मैंने एक केमिकल इन्फर्नो बनाया है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लूज छोड़े हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट भागता भागता एक बहुत ऊंची हाइट पर पहुंच जाता है। उसके पीछे वो एजेंट्स भी पहुंच गए थे जो उसका पीछा कर रहे थे। अब वो साइंटिस्ट यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता था, तभी वो वहाँ से कूद कर अपनी जान दे देता है। इसके बाद मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें पूरा सिटी जलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर लोगों ने कुछ मास्क पहने हुए हैं और आधे लोगों के तो चेहरे उल्टे हैं, यानी कि उनका फेस उनके बैक साइड पर था। और तभी इसके बाद हॉस्पिटल में एक आदमी की आंख खुलती है जिसका नाम प्रोफेसर रॉबर्ट था। प्रोफेसर रॉबर्ट की आंख खुलने के बाद भी उनको अजीब अजीब से विजन आ रहे थे। तभी रॉबर्ट के पास एक लेडी डॉक्टर आती है। वो बताती है कि तुम्हें एक बुलेट छूकर घुसी है और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी जितनी भी पुरानी यादें थी सब लॉस हो चुकी हैं। तुम सब कुछ भूल चुके हो। यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर है वो रॉबर्ट को बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर सुने हैं। जैसे कि हमें पता है रॉबर्ट एक प्रोफेसर था और उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। इसके बाद उस लेडी डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जो आकर बताता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट प्रोफेसर से मिलना चाहती है। तभी वो लेडी ऑफिसर जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होती है वहाँ पर एक आदमी पर फायर कर देती है। ये लेडी डॉक्टर ये समझ गई थी कि ये रॉबर्ट को मारने के लिए आई है, इसीलिए अब ये लेडी डॉक्टर अपने पिछले दरवाजे से रॉबर्ट को अपने साथ टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। और तभी यहाँ पर रॉबर्ट को खुली आंखों से बहुत बुरे बुरे विजन आ रहे थे। वो देख रहा था कि पूरे शहर में आग लग गई है और उसको एक लेडी भी दिखाई देती है जिसने अपने फेस को एक चादर से ढका हुआ था, और साथ ही साथ उसे बहुत सारे आदमी ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उन्होंने मास्क पहना हो, और वो मास्क ऐसा था कि जैसे कोई बीमारी में पहना जाता है। घर आने के बाद रॉबर्ट उस लेडी डॉक्टर सियाना के लैपटॉप में अपने ईमेल एड्रेस डालता है जो कि उसे याद थी, जहाँ पर वो देखता है कि उसे एक मेल आया हुआ था जिस मेल में ये लिखा हुआ था कि प्लान के हिसाब से मैं तुम्हें मिलने नहीं आया, अब वो लोग मेरे पीछे भी हैं और जो चीज हम लोगों ने मिलकर चुराई थी वो बिल्कुल सेफ है, और साथ ही साथ एंड में लिखा हुआ था पैराडाइज 25। मगर रॉबर्ट को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन हो सकता है जिसने उसे मेल की थी। इसके बाद रॉबर्ट वॉशरूम में जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। अब जब वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है तो उसे अपने कोट से एक ट्यूब मिलती है। इस ट्यूब के बारे में भी रॉबर्ट को कुछ भी नहीं पता था। अब जब रॉबर्ट डॉक्टर सियाना को वो ट्यूब दिखाता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये ट्यूब कहाँ से आई, तुम जानते हो ये ट्यूब गवर्नमेंट की है और ये एक बायो ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारी खतरनाक चीजों को ले जाया जा सकता है। वो रॉबर्ट से ये कहती है कि इस ट्यूब के अंदर किसी भी किस्म का वायरस हो सकता है क्योंकि इसको सिर्फ अंगूठे के निशान से ही खोला जा सकता था, और वो भी सिर्फ उस इंसान के निशान से जिस इंसान के लिए इस ट्यूब को डिजाइन किया गया। अब रॉबर्ट इस ट्यूब को खोलना चाहता था। वो कहता है शायद ये मेरे अंगूठे के निशान से खुल जाए और शायद ये ट्यूब मेरे लिए ही बनी हो, मगर डॉक्टर सियाना उसको मना कर रही थी कि इसके अंदर कोई वायरस भी हो सकता है। रॉबर्ट उसकी कुछ भी नहीं सुनता और वो उस ट्यूब को ओपन कर लेता है। अब इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब निकलती है
जो कि इंसानों के बोन यानी कि हड्डी से बनी हुई थी। अब जब रॉबर्ट उस ट्यूब को हिलाता है तो उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है। उस लेजर लाइट को जब वो वॉल पर शो करते हैं तो उस ट्यूब के अंदर तो एक पिक्चर थी जो कि एक हेल यानी कि नरक या दोजख की पिक्चर थी। अब इस पिक्चर में वो सब कुछ था जो रॉबर्ट को अपने विजन्स में नजर आता था। अब जब ये दोनों इस पिक्चर को गौर से देखते हैं तो इन्हें एक नाम मिलता है। ये उसी प्रोफेसर का नाम था जिसने स्टार्ट में खुद को मार लिया था। इन दोनों को ही इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये दोनों अब इसके बारे में रिसर्च करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इस साइंटिस्ट की सोच ऐसी थी कि ये दुनिया की आधी आबादी को खत्म करना चाहता था। और इस साइंटिस्ट ने अपने वीडियो में एक प्लेग की भी एक सैंपल दी थी। ये दोनों समझ गए थे कि ये साइंटिस्ट दुनिया में ऐसा कुछ करना चाहता था कि दुनिया में बहुत खतरनाक बीमारी फैल जाए जिससे कि आधे लोग मर जाएंगे। इन दोनों को ये तो पता चल गया था कि इसका कनेक्शन एक वायरस से था। अब जो पिक्चर इन्हें मिली थी उसमें एनाग्राम भी था। एनाग्राम उसको कहा जाता है जिसमें वर्ड्स को आगे पीछे लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान आम वर्ड्स को ना समझ पाए। अब तभी वहाँ पर डॉक्टर सियाना जब विंडो से देख रही थी तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। दरअसल इन्होंने खुद ही पुलिस को कॉल कर बुलाया था। पर जब ये दोनों ये देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो ही लेडी ऑफिसर थी जिसने हॉस्पिटल में रॉबर्ट को मारने की कोशिश की थी, तो तभी ये दोनों यहाँ से भी भाग जाते हैं। अब ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस एनाग्राम का क्या मतलब है। तभी डॉक्टर सियाना रॉबर्ट को बताती है कि इस एनाग्राम वर्ड्स का मतलब ये इटालियन वर्ड्स है। इसका मतलब ये था कि ढूंढोगे तो मिलेगा। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि इस सिटी में एक म्यूजियम है जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग है और उन्हें जो पिछली पिक्चर में पेंटिंग मिली थी जिसमें हेल का नक्शा यानी कि मैप बना हुआ था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्हें ये वायरस ढूंढना है तो इन दोनों को उस म्यूजियम में जाना होगा और इन्हें वहाँ पर जाकर उस पेंटिंग से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जब ये दोनों वो पेंटिंग देख रहे थे तभी रॉबर्ट को कुछ एहसास होता है। उसको यहाँ पर एक विजन आता है कि जब वो अपनी गाड़ी में था तो उसे किसी ने पीछे से एक इंजेक्शन लगाया था। रॉबर्ट को ये लग रहा था कि शायद वो वायरस उसकी बॉडी में है। वो सियाना को बताता है। सियाना कहती है कि अगर वायरस तुम्हारी बॉडी में होता तो वो अब तक मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो चुका होता। यहाँ पर तुम जिन भी लोगों की बात कर रहे हो उन्होंने अभी तक तुम्हें वायरस नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी वायरस को ढूंढ सकते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है। वो रॉबर्ट को कहती है कि आप दो दिन पहले भी यहाँ पर आए थे। रॉबर्ट कहता है कि मैं दो दिन पहले यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। तो वो लेडी बताती है कि इस म्यूजियम में आकर आप बहुत देर तक एक मास्क को देख रहे थे। जब ये तीनों मिलकर वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर तो मास्क था ही नहीं। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि रॉबर्ट ने एक आदमी के साथ मिलकर उस मास्क को चुराया था। यहाँ पर पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने रॉबर्ट को मेल किया था। उसने मेल में ये भी लिखा था कि जो चीज हमने चुराई है वो बिल्कुल सेफ है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि उस मास्क को रॉबर्ट ने चुराया है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। सियाना और रॉबर्ट दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें सीनियर ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड को दिखाया जाता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती थी। वो साइंटिस्ट जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा जो दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर देना चाहता था उसने इन लोगों को अपना एक टेप रिकॉर्डर दिया था जिसमें उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा था कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद मेरी वीडियो को वायरल कर देना इंटरनेट पर। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम किया करती थी। अब जब उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड उस वीडियो को देखता है तो उसमें ये देखता है वो साइंटिस्ट बता रहा था कि मैंने पूरी दुनिया में प्लेग का वायरस फैला दिया है और कुछ दिनों के अंदर ही इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। पर किसी को भी नहीं पता ये वायरस कहाँ पर है। अब जब इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये मैसेज सुनता है तो वो शॉक्ड हो गया था। वो हैरान हो जाता है यानी कि इस वीडियो को वायरल करने की डेट आज रात की थी। इसका मतलब ये था कि वो वायरस कल से दुनिया में फैल जाएगा। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया को बचाने में गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। इसके बाद हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है। अब वो याद कर रहा था कि उसको जो मेल मिली थी जिसके लास्ट में पैराडाइज 25 लिखा हुआ था उसके साथ जो
लेडी डॉक्टर सियाना थी, वो इस जगह के बारे में जानती थी। ये दोनों अब उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद इन दोनों को मास्क मिल जाता है जो म्यूजियम से चोरी हुआ था। जब ये दोनों उस मास्क के पीछे गौर से देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। ये उस जगह का नाम लिखा हुआ था जहाँ पर ये वायरस रखा गया है। अब इससे पहले ये इस मैसेज को गौर से पढ़ते तभी वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है। ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि वही एजेंट था जो हमने स्टार्ट में देखा, जो उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहा था। वो आखिरी में कहता है कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ, मगर रॉबर्ट यहाँ पर इसको नहीं जानता था। वो एजेंट रॉबर्ट को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि वो यहाँ पर एक लेडी के साथ था। वो एजेंट बताता है कि वो लेडी एक डॉक्टर थी, वो WHO की एक हेड है और वो इस वायरस को हासिल कर फॉरेन एजेंसी को बेचना चाहती है। एजेंट जिस लेडी डॉक्टर की बात कर रहा था रॉबर्ट भी उसको जानता था, क्योंकि किसी जमाने में रॉबर्ट उस लेडी डॉक्टर के साथ पढ़ा करता था। अब ये दोनों उस एजेंट के साथ चले जाते हैं। रास्ते में रॉबर्ट उस एजेंट से पूछता है, क्या तुम्हें उस वायरस का पता है कि वो वायरस कहाँ पर हो सकता है? वो एजेंट कहता है कि लोकेशन के लिहाज से उस वायरस को वेनिस में होना चाहिए। अब ये दोनों वेनिस में निकल पड़ते हैं। वो एजेंट रॉबर्ट को बताता है कि उस साइंटिस्ट ने जिसने ये वायरस बनाया था उसने मेरे सामने अपनी जान दी थी और मुझे उसकी पॉकेट से एक लेजर लाइट ट्यूब मिली। फिर वो बताता है कि उसके बाद हम लोग तुम्हारे पास आए हेल्प के लिए, मगर जब रॉबर्ट ये सब कुछ सुनता है तो उसको याद आता है कि उसके पास ये एजेंट नहीं बल्कि इसके पास तो इसकी फ्रेंड आई थी। रॉबर्ट ये समझ गया था कि ये एजेंट झूठ बोल रहा है। रॉबर्ट यहाँ पर सर दर्द का बहाना करता है। एजेंट जब पानी लेने के लिए जाता है तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों लोकेशन के लिहाज से एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे। इनके हिसाब से ये वायरस यहीं पर होना चाहिए था। अब जब ये दोनों वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है ये गलत लोकेशन पर है। रॉबर्ट सियाना को बताता है कि हम लोग गलत लोकेशन पर हैं। सियाना कहती है, क्या इस चर्च में वायरस नहीं है? तो वो बताता है कि इस चर्च में नहीं बल्कि इस सिटी में नहीं है, हम लोग गलत लोकेशन पर हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके पीछे वही एजेंट आ रहा था जिसको ये धोखा देकर भागे थे। अब ये दोनों उससे बचने के लिए एक केव में चले जाते हैं। इस केव में आने के बाद इनको एक रास्ता नजर आता है जिसके आगे जाली लगी हुई थी। सियाना जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो एक लेडी को पैसे देकर वो जाली ओपन करवा लेती है। जैसे ही रॉबर्ट ऊपर की तरफ आता है तो वो रास्ता बंद कर देती है। यहाँ पर रॉबर्ट बिल्कुल हैरान परेशान हो गया था कि डॉक्टर सियाना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी डॉक्टर सियाना उसको बताती है कि जिस साइंटिस्ट के वायरस का पीछा हम लोग कर रहे हैं वो मेरा फ्रेंड था और ये सभी क्लूज उसी ने मेरे लिए छोड़े थे ताकि मैं उस वायरस तक पहुंच सकूं। अब डॉक्टर सियाना को पता चल गया था कि वायरस कहां पर है, इसीलिए वो रास्ता बंद कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल उस साइंटिस्ट ने ये सभी क्लूज इसीलिए छोड़े थे कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उसके फ्रेंड्स हैं वो इन क्लूज तक पहुंचकर उस वायरस तक पहुंच जाए और उस वायरस को पूरी दुनिया में रिलीज कर दे और जो भी उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये सब करने के लिए सियाना उस वायरस को ढूंढने के लिए यहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट भी अब इस केव से निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर वही एजेंट आ जाता है जो रॉबर्ट और सियाना का पीछा कर रहा था। वो यहाँ से रॉबर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को एक और बात पता चलती है, ये एजेंट जो उस वायरस तक पहुंचना चाहता था ये उस वायरस तक इसलिए पहुंचना चाहता था ताकि ये दुनिया में उस वायरस को रिलीज कर सके, क्योंकि उस साइंटिस्ट के फॉलोअर्स में ये एजेंट भी था। अब वो एजेंट इससे पहले रॉबर्ट के साथ कुछ करता तभी वहाँ पर सीनियर ऑर्गेनाइजेशन का हेड आ जाता है। वो पीछे से आकर उस एजेंट को मार देता है। ये वही हेड था जिसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती थी। रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो, वो कहता है कि तुम मुझे एक मददगार भी समझ सकते हो। अब वो हेड बताता है कि जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा हमने ही तुम्हारे साथ किया है। रॉबर्ट बताता है कि मेरी याददाश्त चली गई थी। वो हेड
लगता है कि ये सिर्फ एक केमिकल का रिएक्शन था। हम लोगों ने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया था, मेरे एक एजेंट ने तुम्हें किडनैप किया था और जो लेडी पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में आई जिसने आदमी को फायर किया था, ये सब हमारे ही साथी थे। हम तुम तक पहुंचना चाहते थे ताकि हम ये वायरस की पहेली को सुलझा सकें। उस साइंटिस्ट के चाहने वाले पूरी दुनिया में है। जब वो साइंटिस्ट मर गया तो उसकी फ्रेंड डॉक्टर सियाना हमारे पास आई क्योंकि उसको पता चल गया था कि उस साइंटिस्ट ने हमें एक काम के लिए हायर किया है। दरअसल उसने हमें एक वीडियो दी थी जो उसने एक डेट पर रिलीज करने के लिए कहा था। उसकी फ्रेंड डॉक्टर सियाना ने हमें बताया था कि उसका फ्रेंड एक केमिकल पर काम कर रहा है और ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। पर उस वक्त हमें इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। तभी हमारी एक और एजेंट आपके पास आई। उनके पास वही लेजर लाइट थी जिसके अंदर हेल वाली पेंटिंग थी। वो सभी सवालों के जवाब हम आपसे लेना चाहते थे। तभी हम लोगों ने तुम्हें किडनैप किया क्योंकि उस लेजर लाइट का पासवर्ड तुम्हारे फिंगरप्रिंट से कनेक्ट था। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सियाना ने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर जब वो तुम्हें वहाँ से लेकर भाग गई तब हमें उस पर शक हुआ और तभी हमें इस वायरस का भी पता चला। वो हेल्प बताता है कि अब इसी वजह से हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस वायरस को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो गलत हाथों में ना चला जाए। तभी यहाँ पर वही लेडी डॉक्टर आ जाती है जिसने लेजर लाइट रॉबर्ट को दी थी। ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं क्योंकि किसी जमाने में ये बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। अब ये लोग सभी उस वायरस की लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ हमें डॉक्टर सियाना दिखाई जाती है जो उस लोकेशन तक पहुँच गई थी। ये वहाँ पर पहुँच कर उस साइंटिस्ट के एक और फॉलोअर से मिलती है। वो बताता है कि हमें बॉम्ब उस जगह पर फेंकने हैं जहाँ पर वो वायरस है जिसका सारा कंट्रोल मोबाइल में होगा और जब हम मोबाइल से कमांड देंगे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा जिससे कि सारा वायरस पानी में फैल जाएगा और जो कुछ हमारा साइंटिस्ट चाहता था वो सब कुछ पूरा हो जाएगा जिससे कि सारी दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वहीं पर रॉबर्ट और उसके साथियों को पता चल जाता है कि वो वायरस कहाँ पर है। ये वायरस ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था। उस म्यूजिकल प्रोग्राम में अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे और अगर ये वायरस यहाँ पर फैला तो इन लोगों के साथ साथ ये वायरस पूरी दुनिया में भी फैल जाएगा। अब WHO के हेल्प मिलकर इस जगह को सील कर देते हैं, यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। WHO की हेड उस वायरस को ढूंढती है, उनको वो वायरस मिल जाता है इससे पहले कि वो ये वायरस यहाँ से ले जा पाते। तभी वहाँ पर सियाना और उसके लोग भी आ जाते हैं। सियाना के एक साथी को ऑर्गेनाइजेशन का हेड मार देता है, पर तभी सियाना पीछे से आकर उस हेड को मार देती है और साथ ही साथ बॉम्ब को उसी पानी में फेंक देती है जहाँ पर वायरस था। उसके हाथ में मोबाइल था और वो रॉबर्ट से कह रही थी कि अब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, पर रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो सियाना ऐसा मत करो, दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम ये गलत कर रही हो। पर सियाना को ये लग रहा था कि वो लोगों को बचा रही है। अब वो मोबाइल के बटन को दबा देती है मगर लक की बात ये थी कि वहाँ पर सिग्नल आ ही नहीं रहे थे। अब सियाना खुद ही पानी में कूद जाती है और उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है जिससे कि सियाना मर जाती है। मगर वो वायरस अभी भी पानी में नहीं फैला था क्योंकि उसको एक कंटेनर में सेव कर लिया गया था। वहाँ पर WHO की हेड के हाथ में ये वायरस कंटेनर था, पर तभी उस साइंटिस्ट का एक फॉलोअर उस पर अटैक कर देता है। वो कंटेनर को खोलने की कोशिश कर रहा था मगर वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है, वो उस फॉलोअर को मारता है। पर तभी यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, वो आकर फायर कर उस आदमी को मार देते हैं और WHO की